वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको अलंकार के बारे में बताई थी, आज मैं अलंकार में क्या क्या स्वर प्रयोग होता है, स्वरों के क्या परिभाषा है, क्या प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले स्वर की परिभाषा क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्वर यानी स्वर की परिभाषा। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। इन स्वरों के नाम हैं सरच, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इसे साधारण तरीके से सा रे गा मा पा धा नी कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वरों के जो सारे गामा पाधानी, ये साधारण बोलचाल के लिए, साधारण संगीत को प्राक्टिस करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर हम इसको सरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद इस तरह से गाएंगे तो वो साधारण तरीके से नहीं होगा, इसलिए हम इसे सारे गामा पाधानी करके इसको हम लोग गाते हैं। स्वर के प्रकार में दो प्रकार होते हैं, शुद्ध और विकृत। शुद्ध स्वर क्या होते हैं? 12 स्वरों में से 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। इसे सप्तक में एक निश्चित स्थान पर रखा गया है। इनके नाम है सा रे गा मा पा धा और नी। यानी स्वर 22 होता है, उसमें से 12 स्वर शुद्ध होता है जो सा रे गा मा पा धा नी है, जिसमें से टोटल ये 7 स्वर है। लेकिन विकृत स्वर क्या है? 7 स्वरों में 5 ऐसे स्वर है जो शुद्ध भी है और विकृत भी है। ये अपने स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं। यानी 7 ये स्वर है जो शुद्ध है और 5 जो स्वर है वो विकृत है। यानी 5 वो स्वर जो शुद्ध तो होते ही है, साथ ही में विकृत भी है। अब आते हैं विकृत स्वर में कितने प्रकार होते हैं, विकृत स्वर के प्रकार एवं परिभाषा। विकृत स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोमल विकृत और एक तीव्र विकृत। कोमल विकृत स्वर क्या है? जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे होता है उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। यानी 4 स्वर कोमल होते हैं, रे, गा, धा और नी। जैसे हम लोग विकृत स्वर के 5 स्वर बताए हैं, जिसमें से विकृत स्वर के सबसे पहला प्रकार है कोमल विकृत, जिसमें से 4 स्वर है रे, गा, धा और नी। तीव्र स्वर, जब कोई स्वर अपने स्थान से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। सिर्फ एक स्वर ऐसा है जो तीव्र विकृत होता है, म, तीव्र विकृत होता है। यानी कोमल स्वर, अगर हम लोग कोमल स्वर के बारे में जानेंगे तो कोमल स्वर रे गा धा नी है। उसका चिन्ह होता है ये जो अंडरलाइन किया हुआ है हर स्वर के नीचे, ये कोमल स्वर है, जिससे हम पहचान जा सकते हैं कि ये कोमल स्वर का चिन्ह है, यानी कोमल स्वर है। तीव्र स्वर के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन रहता है, यानी म तीव्र स्वर होता है। इस प्रकार एक सप्तक में 7 शुद्ध यानी सा रे गा मा पा धा नी, 4 कोमल यानी रे ग धा नी और एक तीव्र स्वर होता है, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। यानी शुद्ध स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है, वो सारे गामा पाधानी शुद्ध स्वर है। कोमल स्वर का चिन्ह होता है जो रे गा धानी के अंडरलाइन नीचे स्लिपिंग लाइन रहता है, और एक तीव्र स्वर यानी म जिसके ऊपर, म के ऊपर स्टैंडिंग लाइन रहता है। थैंक यू सो मच। आज हम स्वरों के बारे में, स्वरों के प्रकारों के बारे में चर्चा किए हैं। थैंक यू।